जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं कि मैं आज गूगल कर रहा था तो मैंने देखा कि अगर मैं बिटसैट टाइप करता हूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट सर्च टॉपिक मेरे पास आता है बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और फिर जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास 1000 वेबसाइट्स आ जाती हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो प्रीवियस ईयर बिटसैट पेपर्स दे रही हैं। आप उन पे क्लिक करते हैं फिर आगे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग इसी पे ही बात करने वाले हैं, क्या हमको एक्चुअली बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से मिल सकता है, अगर हाँ तो कहां से, अगर नहीं तो ये जो वेबसाइट क्लेम करती है क्या ये सब कुछ सही है, और इस केस में हमको क्या करना चाहिए। हम जो इतना टाइम स्पेंड करते हैं बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करने के लिए, तो वो हमारा क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज की वीडियो हम इसी पे ही लेके आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिस हिसाब से मोस्ट सर्च टॉपिक ऑन गूगल है बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऑब्वियसली बात है, देखिए कोई भी बच्चा एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहेगा ताकि उसको एक आइडिया लगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिटसैट में। तो चलिए आज हम लोग इसी सारी चीजों पे बात करने वाले हैं और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आज हम लोग इसी पे बात शुरू करते हैं कि क्या बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक मिथ है या एक्चुअली वो एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो आपको 9 मिनट तक बिठा के रखेंगे और फिर जाके सच बताएंगे जो क्लेम करते हैं ये सब चीजों के बारे में। बट सिंस हम अपने बच्चों के लिए इतने ज्यादा कंसर्न्ड हैं और हम नहीं चाहते कि वो ये सब चीजों से गुमराह हो, तो मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं, बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डू नॉट एग्जिस्ट। मैं एज अ बिट्सियन ग्रेजुएटेड 2020 फ्रॉम बिट्स पिलानी ये कह रहा हूं कि बिटसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जिस्ट नहीं करते। बिट्स पिलानी कभी भी Never ever officially releases any question paper। तो जो भी websites, देखिए most of the website जितना, देखिए मैं आपके time पे जब था तब मैंने भी ये searches किए थे कि at least मुझे idea लग जाए कि previous year question paper कैसे होते हैं। तो I hope you will relate कि जब आप एक पे click करते हैं वो अगले link पे पहुंचा देता है, फिर वो अगले link पे पहुंचा देता है कि बिटसैट 2021 के लिए यहाँ क्लिक करो, फिर बिटसैट 2021 इस डेट का जो पेपर हुआ उसके लिए वहां क्लिक करो। हम अंदर घुसते जाते हैं बट हमको कोई भी मोस्ट ऑफ द केसेस में सही सोर्स नहीं मिल पाता जहां से क्वेश्चंस हो। कुछ वेबसाइट्स भाई वेबसाइट्स हैं वो कुछ भी डाल सकते हैं, फ्री कंटेंट अपलोडिंग है, तो कुछ क्या करते हैं ऐसा लिखते हैं कि ये बिटसियंस द्वारा बताए गए एक मेमोरी बेस्ड पेपर हमने बनाया हुआ है। अगेन आई वुड से उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, राइट? उसकी कोई भी एक ऑफिशियल सोर्स नहीं है, मेमोरी में जो आया बता दिया भैया, सही है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसे भी किसी सोर्स को ट्रस्ट करो जो ये क्लेम करते हो कि हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, या कोई भी क्वेश्चंस जो डले हुए हैं वो एक्चुअल बिटसैट एग्जामिनेशन में आए थे। अगर कोई भी ये क्लेम करता है तो बिल्कुल सरासर गलत क्लेम कर रहा है, ये बिट्स पिलानी कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता। तो ये हो गई सबसे पहली बात कि कोई भी हमको ऐसे सोर्स पर ट्रस्ट नहीं करना है जो ये क्लेम करता है। नेक्स्ट चीज, ठीक है फॉर एग्जांपल आप किसी के जाल में फंस गए, आपने मान लिया कि हाँ ये प्रीवियस ईयर बिटसैट में आया होगा ये क्वेश्चन, बट अगेन कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, बहुत टफ क्वेश्चन बना देती हैं, राइट? मतलब कुछ मैंने टेस्ट सीरीज भी देखी है इनफैक्ट जो बहुत टफ क्वेश्चन बना देती है, जो हमको फिर लगता है कि अरे यार मेरी प्रिपरेशन सही हुई है कि नहीं हुई है, क्या मैं एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन कहीं कम रह गई है बिटसैट एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। कुछ वेबसाइट्स है जो बहुत इजी क्वेश्चन डाल देंगी, उसमें आप लोगों को लगेगा अरे अपन तो अपनी तो प्रिपरेशन है, अपन ने तो फोड़ दिया है तो अपन बिटसैट फोड़ देंगे, वो भी चीज़ गलत है क्योंकि अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कहीं कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है जहां से हम ये पता कर सकें ये क्वेश्चन बिटसैट में आया था कि नहीं आया था। तो ऐसे वेबसाइट्स ऐसे टेस्ट सीरीज से अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को जज करना बिल्कुल भी ठीक अप्रोच नहीं है। तो हम एज अ बिटसियन और एज आप लोग एज अ फ्यूचर बिटसियन
किसी भी ऐसी वेबसाइट के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ने वाले। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब भाई कोई भी ऑफिशियल सोर्स है नहीं, सारी टेस्ट सीरीजेस ये क्लेम करती हैं कि बिटसाइट के पेपर्स हैं, बिटसाइट प्रैक्टिस पेपर्स हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को किस सोर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस सोर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो अब बात आती है कि मेरे को कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज नहीं करनी चाहिए, और कौन सी टेस्ट सीरीज मुझे एक्चुअल बिटसाइट एक्सपीरियंस दे पाएगी। तो मेरा आप लोगों को सबसे बड़ा सजेशन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट अ टेस्ट सीरीज, राइट। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इनफैक्ट अच्छे अच्छे वेबसाइट्स भी हैं जो बिटसाइट के एक सैम्पल पेपर देते हैं। यस, जो अच्छे वेबसाइट है वो कभी ये क्लेम नहीं करते कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बिटसाइट का है, वो ये क्लेम करते हैं कि बिटसाइट के सिमिलर लेवल के क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं जो बिटसाइट का लेवल लगभग लगभग सिमिलर है। वो करने से पहले, सबसे पहले या ये डिसाइड करने से पहले कि कौन सी टेस्ट सीरीज हमारे लिए अच्छी है, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, हमारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब ये एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारे बेसिक्स क्लियर है, क्या हमने अच्छे से सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, राइट। तो बेसिक्स करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उठा लीजिए, लेट्स से HCV उठा ली आपने उसके लिए, या केमिस्ट्री के लिए आपने हिमांशु पांडे उठा ली मान लीजिए ऑर्गेनिक के लिए, फिजिक्स तो मैंने बोल दिया, HCV, मैथ्स के लिए मान लीजिए आपने सिंगेज उठा ली। तो हम लोगों को सबसे पहले सिंगेज के मटेरियल को पढ़ के एक बार ये एनालाइज करना है कि क्या हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है। अगर हमने ये स्टेप चेक कर लिया कि हाँ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो हमें स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना है, क्या हमने एडिक्वेट क्वेश्चंस करे हुए हैं कि नहीं हुए, क्या हमारी प्रैक्टिस सफिशिएंट हुई है कि नहीं हुई है, स्टेप नंबर 2। तो प्रैक्टिस अगर आपको लगता है कि हाँ हमने प्रैक्टिस सफिशिएंट भी कर ली है, स्टेप नंबर 3 एनालाइज करना है कि कोई क्वेश्चन जो आपने उस टाइप का कर लिया है, नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आता है तब आप उसको कितनी जल्दी कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करे जो बिटसाइट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि हमने देखा हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, दूसरा ये कि हमारी प्रैक्टिस हो रखी है और हम लोग फास्ट भी करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर और प्रैक्टिस हमारी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, फास्ट हमारी स्पीड बढ़ाएगा। बिटसाइट जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड, जैसा कि हर्षल ने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया होगा जो आप लोगों ने देखी होगी कि भाई 150 क्वेश्चन अगर 120 मिनट में 150 क्वेश्चन अगर आपको 180 मिनट में कोई करने कह रहा है, जस्ट 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपको दे रहा है, क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता। तो आपको ये सबसे पहले ख्याल मन में निकाल देना है कि क्वेश्चन टफ आएगा, जस्ट आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आप लोगों से वो क्वेश्चन बनना ही है। आप लोगों ने ये 3 चीज़ें एनालाइज कर ली कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, आप लोग की स्पीड भी बढ़ चुकी है, अब यू आर फ्री टू डिसाइड, अब यू आर डेफिनेटली फ्री टू डिसाइड कि आप लोग कौन सी टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं। बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, भैया विच टेस्ट सीरीज यू शुड प्रीफर। अब इस केस में जैसे बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे, भैया आपने कौन से की थी टेस्ट सीरीज। तो देखिए, मैं जो भी XYZ टेस्ट सीरीज का नाम ले लूंगा उससे आप लोग ये मत समझिए कि वो टेस्ट सीरीज खराब है। तो मैं आपको एक रियल टाइम किस्सा बताता हूँ। मैंने देखिए, ऑब्वियसली YouTube के कुछ रूल्स हैं तो मैं एग्जैक्ट उस ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकता, बट वो M से शुरू होता है, तो उसके टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी। सीरियसली नहीं लगाई थी क्योंकि आई नेवर ट्रस्टेड, बिकॉज आई न्यू कि बिटसाइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जिस्ट नहीं करते, बट ठीक है, मेरे पास टाइम था, मेरी प्रिपरेशन हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि कैसा इसमें कैसी टेस्ट सीरीज होती है। तो मैंने M टेस्ट सीरीज लगाई थी और उसके बाद, और मैंने बिटसाइट के 1-2 दिन पहले लगाया था, मैं फ्री बैठा था, मैंने कहा चलो कुछ तो कर ही लेते हैं। तो M टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मेरे उसमें आए 280 मार्क्स, मैंने बहुत इज्जत से दी थी, मैंने कहा अरे यार मेरी कहीं प्रिपरेशन ही तो गड़बड़ नहीं है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, और क्वेश्चन बहुत लेंदी और बहुत टफ थे। मैंने सोचा यार हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि ये लेंदी और टफ क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब आई गेस ये नहीं है, इसको मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब हमने 10Q चैलेंज को एस्टैब्लिश किया, हमने ये सोचा यार कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी जो हमने फेस की थी, तो हमको इस केस में लाइक
हम बिट्स से पास आउट हो चुके हैं, हमने बिट्स एट क्लियर किया, हमारे अच्छे स्कोर आए, हमारी ब्रांचेस अच्छी थी। तो हमने सोचा यार कि बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग हम जब प्रिपेयर कर रहे थे तब ये प्रॉब्लम हमारे साथ फेस हुई थी, तो इसका कुछ तो करना चाहिए। तो हमने क्या किया बहुत, और अच्छा हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टेस्ट सीरीज होती है वो एक्सपेंसिव टू द पावर इन्फिनिटी। तो हमने सोचा यार कि बहुत बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट की एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो उनको एटलीस्ट ये बता दे कि उनकी प्रिपरेशन लाए कहाँ करती है, ताकि अगर वो कॉन्फिडेंट हैं तो एक एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज बना दी, ताकि बच्चे एनालाइज कर पाए कि भैया हमको कोई महंगी सी टेस्ट सीरीज के लिए जाना भी चाहिए, कि वी नीड मोर प्रिपरेशन। हमने सोचा ये बच्चे अगर वो 10 टेस्ट पेपर्स कर लेंगे तो उनको एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा, और टेस्ट पेपर्स रिलायबल भी रहेंगे, क्योंकि यार मैं और हर्षल ने वो मिलके बनाए हैं, हमने अपने हाथ से वो क्वेश्चन डाले हैं, तो हमें एक फेयर आइडिया है कि हाँ भैया बिटसेट में अगर आया तो लगभग लगभग इसी लेवल का ही क्वेश्चन आने वाला है। हमने ऐसे ही हैंड पिक कर करके एक एक क्वेश्चन डाला, हमने कहा चलो ये तो रिलायबल भी हो गया। तो आप लोगों के लिए वो ओपन है टेस्ट सीरीज, अगर आप लोगों को मन हो और आपको लगे कि भैया प्री महंगी मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले अगर हम एक लिमिटेड पेमेंट की अगर हम एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहें जो एक्चुअली बिटसेंस ने बनाई है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो हमें मेल करिएगा tenqchallenge@gmail.com पे। डोंट थिंक, देखो इट इज ईजी टू अज्यूम मैं अपनी टेस्ट सीरीज प्रमोट कर रहा हूँ, राइट? देखो क्रिटिक्स हमेशा यही बोलेंगे मैं अपनी टेस्ट सीरीज प्रमोट कर रहा हूँ, बट एज अ बिटसियन मैं अपने फ्यूचर बिटसियंस की मदद जेन्युइनली करना चाहता हूँ। तो आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करना हो तो हमें मेल करना, और प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनी वेबसाइट दैट क्लेम्स कि ये बिटसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हम भी यही क्लेम करते हैं कि हमको जो लगा बिटसेट का लेवल, हमने उसके लेवल के सिमिलर एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। अगर हम भी कभी बोल देना कि ये बिटसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कमेंट सेक्शन में बोल देना कि भैया गलत बोल रहे हो आप ये, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, से हैप्पी, और अपनी प्रिपरेशन ऐसी जोरों शोर से करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ भैया, जैसा कि आजकल ट्रेंड हो रहा है, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है पूरी तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बिटसेट फोड़ेंगे लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हम फोड़ के दिखाएंगे और हमें करना ही है और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो #बिटसेट फोड़ेंगे लिखना ना भूलिएगा।